एक गांव में एक बहुत ही आलसी आदमी था। कुछ काम धाम नहीं करता था, पूरा दिन निठल्ला बैठा रहता था। गांव में घूमता फिरता था, कोई ना कोई उसे कुछ ना कुछ खाने के लिए दे देता था और इसी तरीके से उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। उसी गांव में एक बहुत बढ़िया आम का बगीचा था जिसमें बहुत ही बढ़िया मीठे मीठे आम लगे थे। एक दिन वो उस आम के बगीचे में पहुंचता है, पेड़ पर चढ़ता है और जैसे ही आम तोड़ने वाला था कि बाग का मालिक आ जाता है। उसे देखकर वो आदमी घबरा जाता है, किसी तरीके से जल्दी जल्दी पेड़ से उतर करके बाग से बाहर भागता है। भागते भागते गांव के बाहर के एक जंगल में वो पहुंचता है और एक पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए बैठ जाता है। तभी वो देखता है कि वहां से एक लोमड़ी गुजर रही थी। उस लोमड़ी के पैर में चोट थी जिसके कारण वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। वो आदमी सोचता है कि ये जंगल इतने खतरनाक जानवरों से भरा हुआ है और इस जंगल में ये लोमड़ी भला जिंदा कैसे बच गई। वो सोचता है कि चलो पेड़ के ऊपर बैठकर मैं देखता हूं कि इस लोमड़ी के साथ क्या होता है। वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, तभी जंगल में शेर के दहाड़ने की आवाज गूंजती है। पूरा जंगल सन्नाटे में बदल जाता है, सभी जानवर इधर उधर भागने लगते हैं, पर वो लोमड़ी वहीं खड़ी रहती है। शेर धीरे धीरे लोमड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। वो आदमी सोचता है कि आज तो ये शेर इस लोमड़ी को खा ही जाएगा। फिर तभी वो देखता है जो उसको स्तब्ध कर देती है ये घटना। वो देखता है कि शेर लोमड़ी के पास पहुंचता है, शेर के मुंह में एक मांस का टुकड़ा था, वो मांस का टुकड़ा वो लोमड़ी को दे देता है और वापस चला जाता है। लोमड़ी वहीं बैठकर मांस के टुकड़े को खाकर अपनी भूख मिटाती है। अब वो आदमी सोचता है कि देखो भगवान कितने दयालु हैं, भगवान सर्वे सर्व हैं और वो सभी का ध्यान रखते हैं। ये सोचकर वो जंगल से वापस अपने घर लौटता है और अपने बिस्तर पर लेट जाता है और सोचता है कि मुझे भूख लगेगी तो कोई ना कोई तो मुझे कुछ देने आएगा ही। ये सोचकर वो 2-3 दिन तक लेटा रहता है, पर कोई कुछ भी देने नहीं आता। जब भूख उसे बहुत व्याकुल कर देती है तो उठता है, घर से बाहर निकलता है और देखता है कि एक पेड़ के नीचे एक साधु महात्मा बैठे थे। उनके पास जाता है, उनको सारी बात बताता है और उनसे कहता है कि भगवान बहुत अन्याय कर रहे हैं, भगवान जानवरों के विषय में तो सोच रहे हैं पर इंसानों के विषय में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। वो साधु महात्मा कहते हैं कि भगवान दयालु हैं और वो सभी के विषय में सोचते हैं और उन्होंने तुम्हारे बारे में भी कुछ ना कुछ अवश्य सोचा है। वो ये चाहते हैं कि तुम लोमड़ी नहीं शेर बनो। तो जीवन भी कुछ ऐसा ही है, हम सभी के अंदर असीम क्षमताएं हैं परंतु हम अज्ञानतावश उन क्षमताओं को पहचान नहीं पाते और लोगों की सहायता के ऊपर निर्भर रहते हैं। यदि आप अपनी क्षमताओं को पहचानेंगे, उन पर काम करेंगे, संसार में बहुत सारी संभावनाएं और अपॉर्चुनिटीज हैं, अपनी उन क्षमताओं पर काम करके यदि आप उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करेंगे तो विश्वास मानिए आपको दूसरों की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप संसार के एक बहुत ही सक्सेसफुल व्यक्ति बनेंगे। विचार अवश्य करिएगा। धन्यवाद। इस चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियोज हैं जो आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। इन आइकन्स पे क्लिक करके उन्हें देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।